हेलो, थैंक यू सो मच करण ब्रो। हाँ भाई, 25 साल का हो गया हूँ। कल यूनिवर्सिटी मिलते हैं, फिर वहाँ सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे कहाँ पार्टी करनी है। एक मिनट, हर्ष का फोन आ रहा है, कल मिलते हैं। बाय। हर्ष भाई, थैंक यू सो मच भाई जान। अभी मैं करण से ही बात कर रहा था कि कल का क्या प्लान है। ऐसा करते हैं, कल यूनिवर्सिटी करीब 2:30 बजे मिलते हैं, फिर बनाते हैं प्रोग्राम। नहीं यार, 12 बजे नहीं हो पाएगा। कल शायद मुझे 10 से 2 किसी से मिलना है। ओ ना ना यार, ऐसी कोई बात नहीं है। चल कल बताता हूँ कौन है वो। कल मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए सरप्राइज। शुक्रिया भाईजान, सी यू। हाय धनप्रीत, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। मैं तुझे ही याद कर रहा था, बल्कि याद से भी आगे मैं तुझे ही देख रहा था और तेरा फ़ोन आ गया। और वाली बात नहीं है, मैं हम दोनों की फ़ोटोज़ देख रहा था जब हमने कसौली में क्लिक करवाई हैं तेरे बर्थडे वाले दिन। तू सोई नहीं अभी? अच्छा, जब तू आँख बंद कर लेती है तेरे को मैं दिखने लग जाता हूँ। फिर एक काम कर, कान बंद कर ले, क्या पता मेरी आवाज़ सुनाई देने लग जाए, फिर फ़ोन पर बात करने की ज़रूरत भी नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। चल अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा मुंह बंद। तू क्यों चुप कर गई? कुछ तो बोल। Thank you.
In our inner world, we express our feelings externally. And in the outer world, we express internally because the emotions of our heart are blanketed by eyes. Why do we hide our emotions? Because when those people who were the whole world for us, to whom we expressed our emotions, people whom we loved more than ourselves, leave us, then the only person left to whom we can express is ourselves. So I started to express within myself, and that day gave birth to something eternal within me, which is called self-love. So here I wish myself a very happy birthday.